परविंदर सेठी जी हमारे साथ हैं। परविंदर जी, कांग्रेस के लिए हरियाणा में विनिंग फैक्टर्स आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े कह रहे हैं अगर वाकई ऐसा होता है 55 सीटें भी अगर मान लीजिए कांग्रेस को आ जाती है एग्जिट पोल के मुताबिक, तो क्या वो फैक्टर है, क्या सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर कुछ और फैक्टर आपको यहाँ दिखता है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर मुझे जो लगता है कि अगर हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर देखें तो वहाँ पे जो स्थानीय पार्टियाँ हैं वो स्ट्रांग हैं, और यहाँ की जो स्थानीय पार्टियाँ हैं वो बिल्कुल एज पे आ चुकी हैं, उनको जनता ने नकार दिया है। वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है हरियाणा के अंदर, लेकिन वहाँ हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे किसान, जवान और पहलवान, ये तीन चीज़ें थी जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, जिसमें किसान थे, जिसमें 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, जिसमें जवान की अग्निवीर का जो वो लेके आए, उसके बाद जो पहलवान खिलाड़ी थे उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, इसका बहुत बड़ी नाराज़गी थी हरियाणा और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर एक कितना बढ़िया मैंडेट मिला, लेकिन उसके बाद जनता के पास एक मौका रहता है जब वोटिंग का समय आता है, तो वो वोट के थ्रू इस बात का जवाब देती है, और उनके पास एक बड़ा विकल्प कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एग्जिट पोल अपनी दिखा रहे हैं, और अगर एग्जिट पोल नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि क्लीन स्वीप के साथ। अच्छा, दो बातें परविंदर जी आपके सामने रखती हूँ। ग्राउंड जीरो की जो कुछ रिपोर्ट्स हमारे रिपोर्टर की आई, उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस हरियाणा में महज बातें करती थी किसानों के साथ, एक रुपये उनके अकाउंट में आते थे, लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आई तो उनके पास पैसे भी आए, लेकिन क्या कृषि कानून का मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ा है क्या? नहीं, देखिए, 13 महीने किसान बैठे रहे बॉर्डरों पे, उनके कीलें ठोक दी गई, उनके फुवारे चलाए गए, उनको लाठी चार्ज करी गई, उसके बाद जो 3 कानून जब वापस लिए गए उनसे वादा किया गया कि जो MSP है वो लीगल तौर पे हम इसके ऊपर कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई तवज्जो नहीं दी, किसानों को एक तरह से वो जो बड़े किसान नेता थे उनको नकार दिया। हाँ। और दूसरी स्कीम्स लेके आए, उसका जो खमियाजा है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी को उसकी बढ़त मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि भी हम किसानों के लिए करेंगे, ये MSP का मुद्दा लेके आएंगे और हम किसानों के साथ खड़े हैं, खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। ये फैक्टर्स जो है शायद बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। इसी बीच हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी का स्टेटमेंट है, बीजेपी ने विकास के लिए कई काम किए हैं, नायब सिंह सैनी ने कहा है। नायब सिंह सैनी का स्टेटमेंट, हरियाणा के CM जब तक थे नायब सिंह सैनी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास के लिए कई काम किए, क्या कहा जरा सुनिए। पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। राकेश जी, नायब सिंह सैनी को अभी अभी हमने सुना और कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद अभी भी बीजेपी को है? देखिए, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक तो स्वाभाविक है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। बिहार में चुनाव था, रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी RJD की सरकार बन रही है, और बाद में उनकी इतनी कम सीटें आई, तो जब उनसे पूछा गया कि अरे आपकी तो इतनी कम सीटें आई, तो बोले दी हम पहले बोल देते तो इससे भी कम सीटें आती। तो ये राजनीति है, और राजनीति में इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन एग्जिट पोल की जो बात है, पिछले 3 एग्जिट पोल देखिए, 9, 14 और 19, तो वो देश के बाकी एग्जिट पोलों पे भले ही भरोसा ना किया जाए, लेकिन हरियाणा को लेके जो 3 एग्जिट पोल आए थे उसमें 1-2 सीटों का अंतर छोड़ दिया जाए तो लगभग सही के करीब थे। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाँ, कांग्रेस का वहां पे स्थितियां बहुत अच्छी है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर का जो आपने प्रश्न पूछी थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 का यदि आप परिणाम देखेंगी और वोटिंग पैटर्न देखेंगी, तो 14 में
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ, यानी वहां 75% से ऊपर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो अभी तक मतदान का प्रतिशत आया है वो 61% आया है। यदि बढ़ेगा भी तो हम मान के चलते एक घंटे में 65% जाएगा, तो भी 19 और 24 से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इसका मतलब है कि एक तरफा चुनाव नहीं है और एक तरफा चुनाव और नहीं जनता फिर फैसला कर रही है और फिर राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो ये कुछ संभावित आंकड़े हैं जो आप अभी देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे अभी आने बाकी है।